से बुजुर्ग थे, मदीने तैयबा में हजरत सैयद बदर आलम साहब, बड़े दर्जे के आदमी, फिर से सुनिस्बत से आप भी थे शायद हमारे साथ उस वक्त, हयात थे वो, हयात थे, लेटे रहते थे सब में, उनके चक्कर था, बैठते नहीं थे, बहुत बेचारे मजबूर हो गए, खाने पे मजबूर कर लिया उन्होंने। मैंने उजर कर दिया कि आज तुम्हें कहीं दूसरी जगह मत दूं, तो दूसरे रोज उतने ही तकल्लुफ के साथ मेरे साथियों को बुला लिया उन्होंने। अब लेटे हुए थे लोग दस्तरखान, कहने हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह का क्या मामूल था, बात खाना खाते वक्त किस किस्म की बातें करते थे, उन्होंने सवाल किया खाने के वक्त कैसी बातें करते थे। अब इस बातें कि हम लोग खाना खा रहे हैं, अब उनका जी चाहता था कोई हजरत की बातें सुने, तो उन्होंने हजरत का मामूल पूछा। हमने ये हजरत कि तो जो आदा थी सुन्नत में ढली हुई थी, और आदत सानिया बना ली थी हजरत ने अपनी आदत में, खाने के वक्त कभी कोई अहम बात, कोई गौरतलब बात, बल्कि कभी नहीं करते थे, बल्कि तफरीही बातें, कभी कोई बात छेड़ दी, कभी कोई बात छेड़ दी, और फिर खाते भी रहते। कोई खास बात कोई, बस यही था कि खाने के वक्त तफरीही बातें करना चाहिए, और कोई ऐसी अहम बात तसव्वुफ की शरीयत की ऐसा तो नहीं करना चाहिए, हर वक्त का एक मौका हर एक महल होता है। अब इसके बाद में क्या क्या चीजें मरगूब थी हजरत, क्या खाते, हम जो कुछ मालूम थी मैं बताना शुरू हुआ, और उसकी तफरी भी होती रही, खाना भी खाते रहे, वो भी एक आध सवाल करते, तो ये तो हो सकता है, लेकिन जब कोई उनवानी ना हो गुफ्तगू करने का। और भाई बातें करते करते जितनी अहम बातें थी, माशरे के लिहाज से, अखलाकियात के लिहाज से, अकायद के लिहाज से, इबादात के लिहाज से, मुख्तलिफ नशिस्तों में कुछ न कुछ हम कहते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को तलब है, और आप लोग कुछ फायदे ही महसूस करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें एक वास्ता बना दिया है, किसी को अच्छी बात मालूम है। ये दिन बड़ा लतीफा रहा, हम तन्हा पहुंच गए शाबद आलम साहब, कोई नहीं, कहने लगे ये लाउड स्पीकर के मुतालिक हजरत की क्या राय थी। हजरत फरमाते थे, मैंने अर्ज किया कि अब देखिए कहाँ शुरू होती बात, कहने लगे, मैंने कहा कि लाउड स्पीकर को नमाज के दरमियान इस्तेमाल करने को हजरत अच्छा नहीं समझते, और इसी तरह अजान में, क्योंकि अजान आधी हुई बिजली शेड हो गई, खुतबा हो रहा है बिजली शेड हो गई, नमाज हो रही है बिजली शेड हो गई, अब वो मुक्तदियों को धोखा होने लगता है जमात में, तो पहले तो ही मुकबिर लोग हुआ करते थे, दूसरे सब में से तकबीर करते रहते थे, इसलिए उसको पसंद नहीं करना, खुतबे में और नमाज में, और वैसे वाज तकबीर में कहने। अच्छा रेडियो के मुतालिक हजरत की क्या राय थी, मैंने कहा रेडियो के मुतालिक भी हजरत की राय यही थी कि उसका अच्छा है और बुरा बुरा है, अगर कोई तकरीर है, कोई अहम ऐलान है, अब उसका जरिया है इबलाग का, खबर रसानी का, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये गाना बजाना लाख प्रोग्राम, इससे तजिया औकात भी होती है, अखलाक भी सुनने वालों के खराब होते हैं, और एक लाहवियत महज है, हजरत इसको पसंद नहीं फरमाती। और यहाँ तक कि कुरान शरीफ की तिलावत, तफसीर की बयान, अहादीस अहादीस का बयान करना, इसको भी हजरत नहीं फरमाती, फरमाते थे कि यह आलय लहव लाभ। अब जिस स्टेज से औरतें बिरहना सर बेशरम बेहा औरतें गा रही हों, बजा रही हों, लव प्रोग्राम नशर की जा रहा हूँ, उस प्रोग्राम में अल्लाह का कलाम दिया जाए, अहदीस नबी भी आ जाए, ये अदब एहतराम हजरत इसे पसंद नहीं, कहते थे अदब एहतराम के खिलाफ है कि उसी स्टेज से इस किस्म की चीजें नशर की जाए। तो लगे कि टेप रिकॉर्डर के मुतालिक आपकी क्या राय, टेप रिकॉर्डर तो बिल्कुल महफूज चीज है, जैसी बात की गई सुन ली गई, यानी इसके सुनने में सुनाने में तो कोई हज नहीं है। मैंने कहा आपसे मैं क्या मसला बयान करूँ, बात तो ये जो थी मैंने हजरत की बात
कहने अगर कुछ मुजाका न हो तो भाई टेप रिकॉर्डर सुन लीजिए, भाई जल्दी बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ, वो लड़के बुलाया टेप रिकॉर्डर लाओ। अब टेप रिकॉर्डर आया तो उसमें उन्होंने एक शान खुदा है या ऐसी कुछ एक नज्म है शान लाइन छपी भी है किताब में हमारे पास है, कहने के हमने एक नज्म कही थी तो उसको एक खुशबुलूद हमारे दोस्त ने उसको सुनाई हमें और वो टेप हो गई। जी चाचा आपको सुनाए। इसने उन अनाज से उन्होंने इस चीज का जवाब देके सुनाना शुरू किया। बड़े खुश यहाँ जब कराची आए वो अंग्रेजी सालियाँ याफ्ता थे किसी दौरे पे थे छोड़ छा दिया, हदीस शरीफ से उन्हें बड़ा शगफ हो गया था तो इसमें उन्होंने इल्म हासिल किया हदीस का और हदीस बयान करते थे। यहाँ जब आए कराची मेरठ से तो बहुत तंग हाल थे, कोई जरिए माश नहीं था उनके लिए, बहुत तंगी से कहीं रहने सहने का भी इंतजाम था, बहुत तंगी से अखराजात भी। तो यहाँ नश्तर साहब वजीर आजम थे वो उनको जानते थे, उन्होंने कहा मैं 1,000 रुपया आपको गवर्नमेंट देगी आप 15 मिनट अहदीस नबी रेडियो पर सुना दिया करें। उनका मेरी जान जाती रहे, मैं इतना अदब एहतराम के खिलाफ अभी नहीं कर सकता, मैं अहदीस नबी को रेडियो पर नहीं सुना सकता, उनका फिलहाल दफन उनका बिल्कुल चाहे वो नहीं गवारा किया। तो ईसान बान के आदमी थे, इसी तरह में उनका एक वाकया याद आया, मस्जिद नबी में दर्श दिया करते थे हदीस का, मदीने तैयबा में जाकर रह गए थे, उसका वाक्य भी सुना है, वहां भी ऐसी तंगी कोई जरिए माश नहीं कोई सिलसिला नहीं, अल्लाह तवक्कुल पे जाके रह गए थे, तो जहां मस्जिद नबी में बैठा करते थे वहां एक अरब इनके बाएं तरफ आकर बैठ जाते थे खुद ही मान करते। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि कोई और साहब आके बैठ गए, वो अरब साहब इस तरफ आके बैठ गए, तो अरब में इनसे कहा देख के तो माफ करना आज मैं आपके दाहिने हाथ पे बैठ गया हूँ, कशिश भी है सुनते तो है मोहब्बत की कशिश है आपका सुनता तो यही वाकया भी हो जाता है। वो अरब साहब यहाँ पे बैठ गए, उन्होंने माजरत चाही कि मैं माफ करना आज मैं आपके दाहिने हाथ पे बैठ गया, इन्होंने बेसाख्ता किया अल्लाह ताला के दोनों हाथ यमीन कनान था आलम कह नहीं मैं तो मामूली आदमी कह नहीं, उसको बेसाख्ता इनका कहना कि दोनों हाथ अल्लाह ताला की यमीन है, इनका कहना कुछ पूछना पछना शुरू किया। वो कोई अहदेदार था सरकारी बड़ा, उसने जाके फौरन ही तो जिक्र किया इसे और इनके लिए पूछा इनसे कहाँ रहते हो किस हाल में हो, एक वजीर साहब थे वहां से उनका मकान बिल्कुल मदीने तैयबा के बाजू पे जरा सा टीला था वो खाली था, जमाने में उनको मकान दे दिया और फिर उसके बाद कुछ और सूरत ऐसी हुई कि इनका वजीफा भी मुकर हो गया, तो दोनों हाथ अल्लाह की जमीन है कुछ ज्यादा महसूस तान तो ऐसी ही वसत हुई उसके बरकत से कि इनके गुजर औकात के वजीफा भी मुकर हो गया। बड़े मुतवक्किल आदमी कहने के एक दिन हम मस्जिद नबी में दर्श दे रहे थे हदीस शरीफ पढ़ी काला काला रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हदीस से ये मंशा है ये मंशा है ये हुजूर ने इस ख्याल हुआ दफतन कहने लगे मुझे कि हुजूर सुन रहे हैं और मैं कहता हूँ हुजूर का हुजूर ने कहा मेरा मंशा तो नहीं था मैं क्या जवाब दूंगा, बदन में लर्जा पैदा हो गया इस कदर खौफ तारी हुआ ये कहकर के इस हदीस शरीफ का ये मंशा है। मंशा बयान करने वाले तुम कौन थे तुमको कैसे मालूम का मंशा था, हुजूर सुन रहे हैं अगर नाराजगी का इजहार किया कि मेरा तो ये मंशा नहीं था तुमने गलत बयान किया, ऐसी कपकपी हुई उस दिन से तर्क कर दिया हिम्मत नहीं पड़ी थी दर्स देने की तो घर पे देते ऐसे लोग थे। बाकी किसी का जब अल्लाह तआला मराते पता फरमाते हैं बहनों का बड़ी मोहब्बत से जिक्र करते हैं। हमारी साहबा सुखन छपी और हमारे एक दोस्त ने उनको जाके दिया
सरहाने रखी थी। दूसरे दिन हम पहुंचे, किताब निकाली और पहली नात है, जब कभी वो इधर से गुजरे हैं, कितने आलम नगर से गुजरे हैं। बाकी हमको सुनाना शुरू की खुद ही लेटे लेटे। जब इस शेर पे पहुंचे, दिल पे एक ताजा चोट खाई है, जब भी हम उनके दर से गुजरे मैं रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए, आवाज भराई किताब लगी। बड़े साहब बड़ी अल्लाह वालों की अदाएं भी खूब थी। हम भी थे, एक अरब आ गए, ये लेटे हुए थे। अरब ने कहा कि बहुत जी चाहता है ज्यादा दीजिए कि मैं आपकी पेशानी को बोसा दूं और आज से मानो खा करूं। खुशी इजाजत दे दी। उन्होंने किया, मैंने कहा क्या मैं महरूम रखूंगा, क्या मुझे महरूम रखिएगा क्या नहीं, बसर चश्मा। तो ऐसे में तवाज़ो आप क्या करते हैं, मुझे क्या है, कोई तवाज़ो बिल्कुल पाक साफ तीनत बेतकल्लुफ इस्लाम बेतकल्लुफ ईमान, ऐसे लोगों का होता है। उनकी बातें इतनी आ गई, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आलिया था फरमाए, बड़ी दीन की खिदमत करते रहे बड़े अल्लाह ताला ने। यहाँ उनके भाई महमूद है, एस पी थे, बहुत अच्छे से मिले उनको। अल्लाह वालों की बात नहीं, किसी मसलक के हों, किसी सिलसिले के हों, अहले हक हमेशा सदाकत होती है, उनमें इखलास होता है।